अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ देगी हलीम की रेसिपी। यहाँ पर मैंने इसके लिए गोश्त लिया है, 3 किलो के करीब गोश्त लिया है, बीफ का गोश्त लिया है मैंने। प्याज ले रही हूँ मैं, यहाँ 1/2 किलो के करीब प्याज ली है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। कुछ स्पाइसेस लूँगी यहाँ पर मैं, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 3 से 4 चमचे, धनिया पाउडर लिया है 3 चमचे, नमक जाएगा हद पे जायका, कुछ गरम मसाला इसमें मैं ऐड करूँगी, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेजपात के पत्ते, पिसी हुई मिर्ची ली है 6 से 7 टेबल स्पून लिए हैं मैंने। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ सब कुछ। यहाँ 1 कप मैंने ऑयल ऐड किया है, शैलो फ्राई करूंगी। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट हलीम आप भी तैयार कर सकेंगे। मैं गोल्डन कलर आने तक प्याज को शैलो फ्राई करूंगी। देख लीजिए प्याज जो है वो फ्राई हो रही हैं। अब इस पॉइंट पे मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ। अब गोश्त को जो है वो लहसुन अदरक डाल के फ्राई करूंगी। ये देख लीजिए मैंने 5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब जो स्पाइसेस मैंने रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर स्पाइसेस भी मैंने ऐड कर लिए हैं, अब मैं सब मिक्स करूंगी। बोटियां जो है वो बिल्कुल रेशे की तरह हो जाए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने इसके लिए जौ लिए थे 1/2 किलो, ये देख लीजिए, और 1/2 किलो गेहूं लिया था, ये मैंने ओवरनाइट जो है वो भिगोकर रख दिया था। ठीक है, अब यहाँ दालें भी मैं इसके लिए ले रही हूँ। 1/2 किलो चने की दाल, 1/2 किलो पचमेल दाल, यानी 5 दालें जो है वो मिक्स जो है रेडीमेड मिल जाती हैं बाजार से, आप लोग ले सकते हैं वो। मैंने जौ और गेहूँ को बॉईल करके अलग अलग और ऐड कर लिया है एक साथ। अब मैंने बीटर चला लिया है इनमें, बिल्कुल देख लीजिए आप, बिल्कुल दाना जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब मैंने जो कौरमा अलग रखा हुआ था गोश्त का, वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। यहाँ पर कौरमा ऐड करके अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी और गोटे से अब इसकी घुटाई करेंगे। ये देख लीजिए घुटाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितनी अच्छी घुटाई होगी उतना ही अच्छा हलीम बनेगा। यहाँ हमारा हलीम बनके तैयार हो चुका है, अब मैं इसको सर्व करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए हमारा हलीम तैयार हो चुका है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा था टेस्ट में। सब ने बहुत तारीफ करी, दुआ में मुझे याद रखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।